Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Narain, your IGKO, that is International GKO Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, we are about topic is Forest Cooper. आज की बात आज हम बात करने वाले लाइफ लाइन के ऊपर जो कि दुनिया की लाइफ लाइन है आपकी हमारी सबकी लाइफ लाइन है और बात हो रही है, है हमारे जंगलों की या वनों की ठीक है और ये बात हो रही है ना सिर्फ भारत के वनों की ये बात हो रही है वर्ल्ड फॉरेस्ट की और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात हो रही है टू में क्योंकि अभी क्या हुआ था आपको मालूम है अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट कांग्रेस जो है जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है उसकी मीटिंग हुई थी जो कि सियोल में हुई थी कोरिया में ठीक है मई के महीने में हुई थी 2022 में

भरने की ठीक है ओलंपियाड का फॉर्म भरने वाले हो तो आपको मालूम है कि आपको पढ़ाई जो है बिल्कुल फुल ऑन करनी है और आपको ए टू जेड करनी है और जाहिर सी बात है कि आपका इंटरेस्ट में होगा तभी तो आपने का फॉर्म तो जब बात करेंगे तो अपन पूरी फुल फ्लेच बात करने वाले हैं। और राइट नाउ एज द टॉपिक बिगिन जैसे कि आपको मालूम है मैंने कहा आपसे फटाफट आ जाते हैं अपने टॉपिक पे एज द टॉपिक बिगिन हम बात कर लेते हैं न्यूज में क्यों न्यूज में क्यों है तो मैं आपको बताई चुकी हूँ वर्ल्ड फॉरेस्ट का अगर बात करते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात करते हैं सोफो ट्वेंटी ठीक है ये रिलीज किया गया है किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फाओ है ना ये मैं इसलिए बोलती हूँ फाओ और सोफो क्योंकि याद रह जाएंगे अदरवाइज अच्छे बोलूंगे ना एस ओ एफ ओ

वहां पे हुआ है ये आ गया समझ में मिटा दू चलो दो से छह मई के बीच में हुआ था बाय द वे ठीक है अब देखें अपन के अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट क्या है प्रेजेंट डेटा एंड एनालिसिस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन फॉरेस्ट एंड पीपल एवरी टू इयर्स हर दो साल में होता है बट द फोकस क्या होता है कोई अगर पर्टनेंट कोई ऐसा एकदम ज्वलंत मुद्दा है या कोई जो मुद्दा जो चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है ठीक है अब सोफो टू ट्वेंटी जो है वो एक्सप्लोर करता है क्या पोटेंशियल ऑफ थ्री फॉरेस्ट पाथवेज फॉर अचीविंग ग्रीन रिकवरी एंड टैकलिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस अब ठीक है बहुत सारा नहीं कन्फ्यूजन नहीं पढ़ते हैं अपन ठीक है सोफोर ट्वेंटी टू क्या एक्सप्लोर करता है सबसे पहली बात करता है पोटेंशियल करता है थ्री फॉरेस्ट पाथवेज के फॉर अचीविंग का की ग्रीन रिकवरी ग्रीन रिकवरी मतलब क्या कि जो लॉस हो रहा है जो फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है उसको किस तरह रिकवर किया जाए उसके बारे में टैकलिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस मतलब भाई पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है जो सी ओ टू का लेवल बढ़ रहा है जो गैसेस uh, का लेवल बढ़ रहा है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वैसे ओजोन थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर रहा है इस बार विच इज़ अ गुड आइडिया विच इज़ अ वेरी गुड थिंग मतलब रिपेयरिंग देखी गई है सेल्फ रिपेयरिंग ओजोन में ठीक है तो अच्छी अच्छी खबर है लेकिन जो भी टैकलिंग एन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं जो भी आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक अभी बैन कर दिया गया है वो रह राइट जो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस की सिचुएशन है उनको कैसे टैकल करना है इस पर

उनको बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं उसमें आप फ्लोरा फोना इंसान जीव जंतु सब कुछ आ जाते हैं ठीक है उनको क्या उनका लॉस हो रहा है या क्या उनका आप कह सकते हैं नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है या उनके नंबर डिप्लीट हो रहे हैं इसके ऊपर भी चर्चा की गई है ठीक है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को लेके अब अगर मैं आपको ये बता दूं कि अबाउट अब थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं फाओ के बारे में भी अब आपको लगेगा सोफो तो हो गया फ़ाओ क्या था फ़ाओ था भैया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसकी है यूनाइटेड नेशंस की आपको मालूम है स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी इंटरनेशनल एफर्ट डिफीट हंगर और इसका जो मेन मुद्दा था फाओ का वो क्या था कि आपको हंगर को डिफ़ीट करना है ठीक है आपको भुखमरी की जो समस्या है पूरे वर्ल्ड के लेवल पर आपको उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है ठीक है ये बात है अब गोल क्या था अचीव करना इसका गोल था फूड सिक्योरिटी सबके लिए अचीव करना पूरी दुनिया के लिए एंड मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हाई क्वालिटी फूड एंड लेट एक्टिव हेल्दी लाइफ मतलब बेसिकली जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की खाना और हेल्दी लाइफ कम से कम हेल्थ फूड एंड शेल्टर ये जो चीजें होती हैं कम से कम वो आप सुनिश्चित करें हर एक नागरिक के लिए पूरी दुनिया के ठीक है ये इसका बेसिक मोटिव था कि भुखमरी से या जिसको बोलते हैं आप डिफिशेंसी से कम से कम खाने पीने की डिफिशेंसी से कोई भी बीमारियां कोई भी ग्रसित ना हो यह चीज देखी गई ठीक है इसके लिए आपको वो था पाओ का जो फाउंडेशन uh, रखा गया था ठीक है कि हर आदमी को एक रेगुलर एक्सेस हो इनफ हाई क्वालिटी फूड से जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है टू लीड अ हेल्दी लाइफ उसके अलावा इसमें 195 नाइन्टी फाइव मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया भी है ऑफकोर्स और पाओ वर्क इन ओवर वन थर्टी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एक सौ तीस कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड काम करता है हेड क्वार्टर इसका रोम है इटली ठीक है जनीवा मत लिख देना है ना हर आदमी हर 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 चीज़ का यूनाइटेड नेशंस का जो सेंटर है वो जीवा नहीं है इसका रोम है इटली में इसलिए बता रहे हैं अलग से अब बात कर लेते हैं अपन कि टॉप ट्वेंटी फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर है ठीक है ये जो स्टैटिक डेटा है ये एक बार 2021 के हिसाब का है ये एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल कवर कितना है और कहाँ पे कितना कितना स्क्वायर किलोमीटर है रशिया टॉप स्टिलिस्ट ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ा बड़ा देश है लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा मामला जो है इन्हीं के हाथ में आता है सबसे बड़ा जो एरिया है आठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ बीस मतलब एट लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो रशिया में आता है ठीक है इसके बाद सी पूरे जितने हैं ना उतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है सबसे हाईएस्ट ठीक है सबसे लोवेस्ट ठीक है हमारा कहाँ पे आता है टॉप फाइव याद कर लो बहुत है ठीक है ब्राज़ील आता है उसके बाद फोर लैक नाइन्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन लैक्स ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी किलोमीटर स्क्वेयर ठीक है उसके बाद कैनेडा आता है यूनाइटेड स्टेट्स आता है चाइना आता है तो ये आपके वन टू थ्री फोर समझ लिया आपने और हमारा नंबर आपको समझने की जरूरत है हमारा नंबर आता है ना इसमें हाँ सिक्स सेवन एट नाइन टेन नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इंडिया का भैया इलेवन नंबर आता है ठीक है हम 11th नंबर पे आते हैं ये या आपको याद रखने की जरूरत है फर्स्ट आप याद रख लो ऊपर के पास याद रख लो दैट इज इट मतलब हमारा कितना आता है सेवन लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स ठीक है बस दिस इज सफिशेंट बाकी सबसे छोटा जो है वो आप न्यू गिनी याद रख सकते हैं थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री सॉरी थ्री लैख थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू किलोमीटर तो या तो हाईएस्ट पूछा जाता है या लोवेस्ट पूछा जाता है या टॉप फाइव पूछा जाता है या अपना पूछा जाता है ठीक है तो so, क्वेश्चन के हिसाब से इतना सफिशिएंट है फॉरेस्ट रोल एंड वैल्यू इन इको सिस्टम अब बेसिकली इसमें देखिए जो आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं ना इसकी uh, दो पार्ट्स ये हैं कि सबसे बड़ी बात आपको मालूम है हमारे कंसेप्ट की एक थ्योरी है uh, जिसमें हम बात करने वाले हैं अभी जैसे हम किंगडम प्लांटे कर रहे हैं या किंगडम एनिमिलिया कर रहे हैं इसके बाद जो थर्ड है वो तो आपको मालूम है इनवायरमेंट है राइट सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ दी टॉपिक्स जो आपका एन्वायरमेंट भी इसमें कवर हो रहा है जिसमें हम इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट वगैरह सबको डील करने वाले हैं राइट तो ये एक तरह से टू इन वन टॉपिक है ठीक है शॉर्टिंग नोट तो है ही अपने आप में इसमें इन्वायरमेंट का पार्ट भी कवर हो रहा है तो आपकी दो

आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो चली जाएगी पूरा उसका एक हिस्सा चला जाएगा बहुत सारे फ्लोरा फोना फ्लोरा तो ही दीजिए फ्लोरा तो ऑब्वियसली है ही नहीं अगर अपन सोच रहे हैं तो फोना जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फूड चेन जो हमने पढ़ी थी वो फूड चेन जिसमें हमने पढ़ा था कि भैया एक सोर्स होता है एक प्रोड्यूसर होता है एक कंज्यूमर होता है ये फूड चेन जो है पूरी तरह फूड चेन और फूड वेब जो है पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएंगे ये डिसरप्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो लाइफ है आपकी वो क्या हो जाएगी अनसिस्टमैटिक हो जाएगी डिसबैलेंसड हो जाएगी अर्थ पर और इवेंचुअली एग्जिस्ट करना बंद कर देगी वन ऑफ द रीजन इज दिस सेकेंड रीजन ऑफ ऑफकोर्स बींग अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे प्रोड्यूसर्स लाइक लाइक अगर वृक्ष नहीं होंगे पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा होते हैं ना वो तो वो क्या करते हैं अपना खाना बनाते हैं खाना कैसे बनाते हैं सनलाइट से धूप मिट्टी सब कुछ उन्हें चाहिए होते हैं और बेसिक क्या चाहिए होती है उनको सीओ टू सी ओ टू को वो कंज्यूम करते हैं फोटोसेंथिसिस के प्रोसेस में अपना खाना बनाते हैं और एक्सेल क्या करते हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं उसके बदले तो वो ऑक्सीजन अगर वो हमें नहीं देंगे तो आप सोचिए अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि कितनी मारा मारी हो गई थी दुनिया में ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर को कितनी मुश्किल से लोग जो थे वो लोगों को मिल नहीं रहा था लोगों का सेचुरेशन जो था वो कितना नीचे चला गया था आपको मालूम है कि एक एक सिलेंडर की जो ब्लैक मार्केटिंग हुई है वो कितनी हुई है और हमें पहली बार ये समझ में आया कि ऑक्सीजन की अहमियत कितनी है जो बेचारे पेड़ हमें सालों से कई सदियों से फ्री में जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उसकी असली कीमत शायद हमें अगर किसी ने समझाई तो वो कोविड की बीमारी ने समझाई राइट तो आप ये समझिए कि अगर पेड़ नहीं होंगे अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इको जैसी कोई चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना तो अगर हम रोल या वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि वो तो इट इज जस्ट लाइक अ सिनोनिमस अगर ये नहीं है वन नहीं तो जीवन नहीं जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली बात है फॉरेस्ट क्या करता है प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर एट्टी परसेंट ऑफ एम्फीबियंस मतलब आप ही अभी बात हो रही है किंगडम एनिमीलिया की जिसमें आप और हम भी आते हैं ठीक है थीके? आप और हम कोई अलग नहीं है आपका और हमारा जो है ना फाइलम या जिसको हम बात करते हैं आपका और हमारा जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है और आपका और हमारा जो किंगडम है वो किंगडम एनिमीलिया ही है ठीक है तो आप और हम भी उसी में आते हैं तो आपको किंगडम एनिमीलिया की अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं एट्टी ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज़ जो है वो फॉरेस्ट में बसती हैं 75% जो बर्ड स्पीशीज है वो फॉरेस्ट में बसती हैं, 68% ऑफ मैमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन 60% परसेंट वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज को हाउस करते हैं ठीक है तो ऑब्वियसली वी नो द इंपॉर्टेंस अपने आप ही समझ में आ गई यहाँ पे हमें ट्रीज इन फॉरेस्ट मेजर मीन्स फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज आई दज कि सी ओ टू की अगर हम बात करते हैं तो सी ओ टू का एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन की रिलीज ये बिल्कुल ही पूरा प्रोसेस जो है वो ठप हो जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे या वन नहीं होंगे तभी आपने सुना होगा जब आप किसी वन्य क्षेत्र से निकलते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें जरूर लिखी रहती हैं एक तो ये लिखा रहता है कि सावधान किनका क्षेत्र है ये ये जंगली जीवों का क्षेत्र है मतलब का है ना मतलब वन्य प्राणियों का क्षेत्र है एक तो ये का लिख रहती है स्टैचुटरी वार्निंग और दूसरी स्टैचुटरी वार्निंग क्या लिख रहती है वन ही जीवन है तो वन की रक्षा कीजिए तो वन की रक्षा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है और क्योंकि हमारे क्लाइमेट चेंज जो सारी बातें हम कर रहे हैं ना रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की कि हमें दुनिया में बहुत सारी चीजें करनी है बचानी है सी का लेवल नीचे लाना है ग्रीन हाउस इफेक्ट नीचे लाना है क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं एन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं इतनी सारी जो पूरी दुनिया भर में मीटिंग्स होती हैं इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं

ये एक आंकड़ा दे दिया है ताकि आपको किसी चीज़ की गंभीरता और गहराई से समझ आए ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यह बात हुई है 2011 से लेकर 2020 के बीच का जो एक आ, जो आप कह सकते हैं 2011 से 20 के टाइम का जो एक एक दशक है उसको आकलन किया गया है उसका और ये कहा गया है

कि ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज में ना सिर्फ लाइफ में विच इज ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि हम अगर जिंदा ही नहीं होंगे तो हम इकोनॉमी का क्या कर लेंगे लेकिन अगर हम इकनॉमिक वाइबिलिटी की बात करते हैं तो भी आपको बता दें कि जी जो है वर्ल्ड की Uh, की जो एक ग्रोथ जीटीपी मानी जाती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड का वो ज्यादातर आप देखते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का जो जी है वो डिपेंड करता है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉडरेटली या एक्सेसिवली वट एवर यू वॉन्ट टू से इकोसिस्टम सर्विसेज में जिसमें फॉरेस्ट जो प्रोवाइड किसके द्वारा होते हैं फॉरेस्ट के द्वारा अब डिफॉरेस्टेशन की हम बात कर लेते हैं डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा मुद्दा है उसकी वजह से और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि आपको मालूम है अभी जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई छटाई हो रही है फॉरेस्ट को जिस हिसाब से साफ़ किया जा रहा है बड़े बड़े क्योंकि निर्माण कार्य हो रहे हैं बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो जो वन की जो ज़मीन है उसको जो साफ किया जा रहा है उसके लूप अगर अपन देखेंगे या उसकी साइड इफेक्ट्स सा अपन देखेंगे तो उसके इतने ज़्यादा है कि वो कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम डेवलप कर रहे हैं वो कहीं पर भी एडवांसमेंट या मॉडर्नाइजेशन के लेवल पर अगर आगे जाके अपन बात करेंगे तो अपन को

इन्फ्लेटेड विद द फ्रेशस्ट ऑफ द एयर तो उसको बड़ा उनने मजाकिया उसमें लिया था कॉमिक थिंग बट इट इज अ वेरी इट्स अ वेरी यू नो थॉट प्रवोकिंग थिंग कि आगे वाले समय में एक्चुअली ये चीज़ें हो सकती हैं कि लोग जो बोला जाता था ना कि लोग वाकई मतलब पहले तो चिप्स के पैकेट के लिए मजाक में कहते हैं कि लोग जो है बेसिकली uh, हवा जो है वो खरीद रहे हैं लेकिन एक्चुअली जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये एक्चुअली ये नौ बता सकते हैं कि, कि किसी दिन आपको ऐसी कैन खोल के जो सांस है वो लेनी पड़े हवा ही आपको खरीदनी पड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या है उसके अलावा लाइक यू नो वट वॉट कोविड टॉटास राइट बट इफ़ यू आर नॉट लर्निंग फ्राम देट दैन वट्स यूज अब डिफॉरेस्टेशन की जब मैं बात कर रही हूँ आपसे कि आपको मालूम है इंडिया में फॉरेस्टेशन कवर जैसे आपने पढ़ा कि सेवन्थ uh, फिर भी सेवन्थ कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड में जिसमें फॉरेस्ट कवर है इतना उसमें से भी एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा छटाई हो गई है मतलब जो पहले जो ग्रीनरी आपको दिखती थी वो ग्रीनरी धीरे 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 सिमटती जा रही है वो ग्रीनरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है विलुप्त होती जा रही है आपको शहरों में तो अब दिखना बंद हो गई है कॉन्क्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं जो बड़े बड़े शहर हैं वो ठीक है इसमें अगर आप फॉरेस्टेशन की डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो फोर मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट लॉस हुआ है कितने दौरान में किस टाइम में 1990 से लेकर 2020 में मतलब कितने साल की बात हो रही है 20 साल के अरसे में 420 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट जो है वो काट दिया गया है ठीक है द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज डिक्लाइनिंग बट आप ये मान सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी क्योंकि इतना ज़्यादा एनवायरमेंट की ह्यूज एंड क्राइज आर गोइंग ऑन ओवर द इनवायरमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज एंड ये एंड वो एंड अब बहुत ज़्यादा उस पर फॉरेस्ट uh, के पेड़ों के कटने पे बहुत ज़्यादा जिस पे बोलते हैं रोकथाम हो गई है बहुत उस पर स्ट्रिक्ट नियम कायदे कानून बन गए हैं भारत में भी पूरे विश्व में भी अपने अपने लेवल पर लेकिन फिर भी डिक्लाइन हुआ है ये रेट लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा है अगर आप इसको बात करते हैं बट वॉज स्टिल टेन मिलियन हेक्टर पर ईयर इन टू थाउजेंड मतलब आप इसको कह सकते हैं कि पहले की तुलना में ये दर्द जो है नीचे आया है लेकिन फिर भी 10 मिलियन हेक्टर हर साल तो फिर भी हो ही रहा था 2015 से लेकर के 2020 के एज दो फीवर एंड मलेरिया ठीक है अब आपको मैं अंग्रेजी की एक बात समझाती हूं उसको अपन डेंगू नहीं कहते हैं ठीक है इसको बेसिकली पता है आपको उसको डेंगी कहा जाता है लेकिन हाँ अपन ऐसे बोलेंगे किसी को बोलचाल में कि इसको डेंगी हो गया तो कुछ तो लोगों को समझ में नहीं आएगा ना किसको बोलना नहीं आता तो ज़्यादा ही अंग्रेज़ बन रहा है वड़ेवा लेकिन हाँ इसको डेंगू नहीं बोला जाता इसको डेंगी बोला जाता है वड़ावर अभी बात ये हो रही है कि पर्टिकुलरली ट्रॉपिक्स में एसोसिएट किया जा रहा है इंक्रीज इन इन्फेक्शन डिजीज़ सच एस डेंगू डेंगी फीवर एंड मलेरिया मतलब आपको मालूम है कि जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रही हैं बहुत सारे आपको मालूम है कि मलेरिया वगैरह तो ठीक है और भी ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं खासकर अगर आप देखते हैं अफ्रीका वगैरह में या अगर आप देखते हैं बाकी कंट्रीज में अगर आप देखते हैं जहां पे उतना ज्यादा मेडिकल एडवांसमेंट अभी नहीं पहुंचा है वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा रीजन जो है वो जोड़ा के देखा गया है कि डिफोरेस्टेशन हैज हाँ बिन वन ऑफ दी प्राइम रीजन फॉर दैट अब बात कर लेते हैं बेनिफिट टू सोसाइटी भाई क्या बेनिफिट है पेड़ पौधे लगाने के या जंगल लगाने के क्या है? या जंगल लगाने के नहीं चलिए जंगल लगाइए भी मत जंगल जो है, उनको रहने उसके क्या है? आपको समझना है कि 33 people, 33 people, global, 1 informal, uh, कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सब कुछ आ जाता है कितने लोग इसमें रह रहे हैं तकरीबन आप मान लीजिए थर्टी मिलियन पीपल उसमें

yeah <laughs> जो है वो रिलाई करते हैं लकड़ी पे या लकड़ी के स्त्रोत पे या फिर आप बात करते हैं ट्रेडिशनल फ्यूल्स पे अपना घर चलाने के लिए खाना बनाने के लिए ठीक है उसके अलावा बात कर लीजिए कि 4.17 4.17 बिलियन पीपल इज 95 ऑफ पीपल आउटसाइड अर्बन एरिया लिव विद इन फाइव किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट विच इज अ गुड थिंग अगर आप बात करते हैं कि दुनिया में अगर आबादी देखी जाए तो तकरीबन आधे से ज्यादा मतलब फोर बिलियन इज दी एग्जैक्ट फिगर दैट यू कैन गेट तकरीबन नाइनटी फाइव परसेंट पीपल जो है वो अर्बन एरिया के बाहर जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज जिनको आप कहते हैं नॉट जस्ट इन इंडिया बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड के अर्बन एरियाज और ग्रामीण एरिया या रूरल एरिया सब जगह होता है या कंट्री साइड बोलते हैं वहाँ पे ठीक है तो कंट्री साइड में जो लोग रहते हैं वो उनमें से तकरीबन नाइन्टी फाइव परसेंट जो आबादी है वो अभी भी कहाँ पे आसपास रहती है जहां पर फॉरेस्ट कवर होता है उसके आसपास पांच किलोमीटर के दायरे में बस्ती है ठीक है

पहुंच गए आपने टेलीस्कोप जो बोलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप आपने ईजाद कर लिया आपने दुनिया की सब चीजें कर ली आप मार्स में पहुंच गए लेकिन अभी भी ह्यूमन बॉडी को पूरा समझना बाकी है ठीक है हेल्थ केयर सेक्टर्स जिस हिसाब से चरमराए हैं इस पेंडेमिक में हमें एक जिसको आप कहते हैं ना इंसान को अपनी हैसियत समझ में आ गई कि यू नो यू कैन नॉट मिस विद द थिंग्स दैट यू नो वी वी थिंक दैट वी नो एवरीथिंग बट वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल ये जो फैक्ट है ना ये हमको समझ में आया है और कोविड ने एक चीज और की है कि आपको मालूम है कि लोगों को बहुत ज्यादा बहुत बड़ी मात्रा में डिस्प्लेस कर दिया गया है ना सिर्फ लोगों की बहुत ज़्यादा जान गई है वर्ल्ड वाइड दैट हैज़ आपको ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है आपको ये पता चलता है आपको फॉरेस्ट कवर कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये पता चलता है आपको एक एक पेड़ की अहमियत समझ में आती है बिकॉज यू नो दैट 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 यू नो थिंग्स गिविंग यू ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके लिए आप फाइनली यू आर स्ट्रगलिंग एन यू आर लाइक नॉट इवन एबल टू गेट वन सिलेंडर आपको नॉर्मल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था आपको मालूम है भारत में कितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की राइट right? अब इसकी बात जब मैं कर लेती हूं कोविड 19 में एक तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करते हैं वोट फ्यूल पे इसको आप कह सकते हैं कि तकरीबन आप मान लीजिए 124 मिलियन पीपल जो ऑलरेडी पहले भी पॉवर्टी के आसपास थे पॉवर्टी लाइन के पास थे उनके अलावा 124 मिलियन लोगों को और वहां धकेल दिया गया है पॉवर्टी की लाइन के नीचे धकेल दिया गया है ठीक है जिसमें से 30 परसेंट अगर आप बात करते हैं न्यू डिजीजे रिपोर्टेड इनटीन सिक्सटी और ये कहा गया है ये शोध में सामने आई है बात ये

तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जो नई नई अलग अलग बीमारियां हैं जो एनिमल इन्फेस्टेड बीमारियां हैं या आप और भी बात कर लीजिए ये देखा जा रहा है कि 1960 के बाद बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बीमारियां लोगों को होने लग गई हैं ना पहले इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी पहले वायरस बैक्टीरिया दैट इज़ ओल्ड राइट right, वो सब जो होती थी वो ह्यूमन इन्फेस्टेड थी जो ह्यूमन को इन्फेस्ट करते थे वायरस बैक्टीरिया उनसे होती थी ये जो होने लगी हैं बीमारियाँ ना ये अजीब गरीब टाइप की बीमारियाँ ये देखा जा रहा है कि इसका इसको शोध किया गया इस पर स्टडी की गई और पता चला कि रिपोर्ट में किया गया कि आट्रीब्यूट किया जाता है लैंड यूज चेंज को कि लैंड का जो चेंज हुआ है ये जो हमने इकोसिस्टम में जो चेंज हुआ है डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है इन नई-नई बीमारियों के उभरने का ठीक है 15% ऑफ 250 इमर्जेंट इंफेक्शन डिजीज हैव बीन लिंक्ड टू फॉरेस्ट पंद्रह परसेंट ऑफ टू फिफ्टी इमर्जिंग डिजीज जो है वो कहां से लिंक की गई है फॉरेस्ट से या तो वो फॉरेस्ट से आई है या वो फॉरेस्ट के कटने की वजह से आई है डिफॉरेस्टेशन की वजह से आई है या वाइल्ड एनिमल से ट्रांसफर हुई है वर एवर लाइक फिफ्टीन परसेंट जो है उसकी वजह से हुई है द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट पैंडमिक बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अवॉइडिंग लैंड यूज चेंज एंड इंक्रीजिंग सर्विलेंस इज एस्टिमेटेड टू यू एस डी ट्वेंटी टू बिलियन टू थर्टी वन billion. ठीक है ग्लोबल स्ट्रेटजीज जो इस पर निर्मित की जा रही हैं या बनाई जा रही हैं किसके लिए कि आपको प्रिवेंट किया जाए पेंडेमिक जो कि इन चीजों से आ रहा है या आप कह सकते हैं कि एक तरह से वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग या तस्करी जिसको कहते हैं वो रोकी जा सके ट्रैफिकिंग रोकी जा सके या अवॉइड किया जा सके कि जो लैंड यूज चेंज है जो आप लैंड को पूरी तरह से आप डिफॉरेस्टेशन के बाद आप लैंड को यूज कर रहे हैं या आप चेंज कर रहे हैं कि यू you नो know, पहले इट वॉज अ फॉरेस्ट लैंड नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज हेजबेंड डेवलप्ड ओवर दर एवर लाइक जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं अगर आप उसकी सर्विल की बात करते हैं उसकी कीमत की बात कर रहे हैं तो यूएसटी डॉलर ट्वेंटी बिलियन से लेकर थर्टी बिलियन के बीच में एस्टिमेट की गई है नाउ सजेशन हम अपनी तरफ से सजेशन ही दे सकते हैं है ना एक इंसान अपनी तरफ से क्या कर सकता है कि जब एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा लेकिन बहुत सारे लोग जब मिलकर करेंगे तो चीज़ों में परिवर्तन आएगा एंड थिंग्स विल बिगिन टू रोल एंड मूव ठीक है तो रिपोर्ट प्रोवाइड करती है थ्री फॉरेस्ट पाथवेज फो अचीविंग ग्रीन रिकवरी एंड टैकलिंग मल्टी डायमेंशनल प्लानटरी क्राइसिस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड बायोडावर्सिटी लॉस इसमें जो रिपोर्ट है उसने भी अपनी जो सजेशन हैं वो दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई अपन देख सकते हैं कि कुछ ऐसे अपन हिस्से देख लेते हैं जिसपे अगर कुछ काम करें अपन तो कुछ है चीजें ठीक हो जाए Halting deforestation and maintaining forests, more efficient, productive, and sustainable agri-food systems are key for meeting future needs of food while reducing demand for agricultural land. अब आपको क्या करना है? आपको efficient, productive, sustainable agri-food systems को ये basically क्या है? अगर आप ये करेंगे, तो आपके पास क्या आने वाला है? एक key meeting होगी कि आगे वाली जो generations हैं, उनकी जो food की requirement हैं, उनकी जो जो जरूरतें हैं, वो पूरी हो पाएं, जिसको हम sustainable development में count कर रहे हैं, right? है, है। और उनके agricultural food की जो demand है, उसको हम

restoring degraded land and expanding agroforestry according to one estimate the restoration of 350 million hectare of deforested and degraded la land by 2030, by 2030 could deliver a net benefit of usd 0.7 to 9 trillion all right and usd 7 to 30 for every usd 1 invested आपको मालूम है तो ये बात हो रही है कहाँ पे आपको ये बात हो रही है कि जो बीहड़ हैं या जो बंजर ज़मीनें हैं जो ज़मीनें हैं जहाँ पे फॉरेस्टेशन नहीं है जहाँ पे कोई उगाई नहीं होती है वहाँ पे आपको रेस्टोरेशन करना है या वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट थे और उनका कवर ख़त्म हो गया वहाँ पर आपको उनको रेस्टोर करना है या बंजर ज़मीनों को अगर आप रेस्टोर करते हैं मतलब आई यू नो कम अक्रॉस पीपल इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं हमने फॉरन में भी ऐसी बहुत स्टोरी सुनी है दैट पीपल यू नो एक्चुअली बाई लैंड एंड देन दे दे रेस्टोर इट वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक हमने इंडिया में एक अम्मा है उनके बारे में सुना था जिन्होंने कितने 108 सौ आठ ट्री जो थे उन्होंने लगाए हमने एक सुने थे अमेजोन में एक कपल रहता है जिसने एक पूरा का पूरा जगह बंजर जमीन खरीदी और उसको फिर से एक फॉरेस्ट में तब्दील किया हमने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का एक हिस्सा हमने सुना था कि किसी ने किसी बिलेयर ने उसको खरीद लिया था और उसके बाद सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि वहां पर कोई भी इंडस्ट्रलाइजेशन का काम ना हो सके सो वी हैव पीपल हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इट वी वी हैव पीपल

राइट इवन इन वर्स्ट केस सिनारियो इन्वेस्टिंग इन रेस्टोरेशन वुड रिटर्न अ फाइनेंशियल प्रॉफिट इन टू थर्ड इकोसिस्टम टाइप्स मतलब अगर आप ये बात करते हैं कि भाई अगर आप लाइक हर चीज आजकल पैसे की ना एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस टुडे तो अगर आप इसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी की भी बात करते हैं तो भी अगर आप ये रेस्टोरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए फायदे का सौदा है आपको कम से कम दो तिहाई जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो इको टाइप्स का वो आपको मिल सकता है यू कैन जील द प्रोफिट सस्टेनेबल यूजिंग फॉरेस्ट इंड बिल्डिंग ग्रीन वैल्यू चेन्स Sustainably meeting rising demand will entail an increase in supplies through restoration.

फ्यूल या क्लीन एनर्जी या क्लीन पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं राइट सो वी नो दैट अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स की तो उनकी रेंज बहुत लंबी है बहुत ज्यादा है अगर हम उनसे निकलने वाली डाइवर्सिटी uh, की बात करते हैं या अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं उन इंडस्ट्री सेक्टर्स की जो कि एज अ फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं तो उनकी भी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है अगर आप बात करते हैं बायो बेस्ड इंडस्ट्री की तो एस्टिमेटेड टू ग्रो थ्री तक जो है वो तो ट्वेंटी तक इनकी और वा इनमें आने की आ, उम्मीद की जा रही है ठीक है डायवर्स रेंज है फॉरेस्ट बेस्ड बायो प्रोडक्ट का और पोटेंशियल अगर आप करते हैं इनकी टैप करने की ग्रोथ का तो इंक्लूडिंग बायो केमिकल बायो प्लास्टिक भी अगर आप बात करते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इनफैक्ट यू नो दैट आजकल जो नेचुरल चीज़ें हैं ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनका मार्केट बहुत ज्यादा रीपैकेजिंग री मार्केटिंग करके कितना ज़्यादा मार्केट किया जाने लगा है राइट right? सो so, एक तरह से ये जो इंडस्ट्री है इसको और पोटेंशली ग्रो होने की बहुत सारी संभावनाएं अभी सामने हैं हमारे द इवॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल होल्डर्स लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजनस पीपल इन द फॉरेस्ट पाथवे इज इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने कहा कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है बात करते हैं जिसके हमने अभी एक डेटा आकलन किया था जिसका आकलन ही था लेकिन एक डेटा जो हमने अभी निकाला था कि 95 के तकरीबन जो आ, लोग हैं जो कि फॉरेस्ट जो रूरल एरियाज में बसते हैं वो पांच किलोमीटर के दायरे में रहते हैं फॉरेस्ट के राइट सो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व अगर आप उनको इन्वॉल्व करते हैं अगर आप लोकल लोगों को इंडिजिनस लोगों को इन्वॉल्व करते हैं काम में तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हायर होगी बिकॉज जो स्थानीय लोग हैं जो लोकल लोग हैं उनको जड़ी बूटियों का या और कौन सी चीजें हैं क्या इस्तेमाल में क्योंकि वो डेली बेसिस पे उन चीज़ों को यूज़ करते हैं राइट तो उनको इस चीज का आइडिया बहुत बेटर है और बहुत अच्छे तरीके से है कि आप सबसे ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं इनफैक्ट आपकी लेबर कॉस्टिंग भी आपको बचेगी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और इंक्लूसिव भी होगा मतलब आप जो लोकल स्थानीय लोग हैं अगर आप उनको इंक्लूड करेंगे तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का आयाम भी बनेंगे और आपके लिए भी वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कॉस्ट इफेक्टिव होगा और ज्यादा एक्सपर्टीज जो है आपके पास आएगी सो दैट इज अ बेटर कोलैबोरेटिव वे कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं जो स्मॉल स्टॉक होल्डर्स हैं उनको ये छोटी जो लोकल कम्युनिटीज जो जंगलों के आसपास बसाहट करती हैं उनको और जो आसपास जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए अगर वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज का तो ठीक है रिलेटेड न्यूज़ अगर मैं इससे कि इससे और रिलेटेड न्यूज़ क्या है अभी जो हमने पढ़ा वो आपको मालूम है कि रिलेटेड न्यूज़ थी फॉरेस्ट्री के ऊपर हमने बात की थी कि आपको मालूम है कोरिया में आ, हुआ था तो उसके ऊपर मैंने चर्चा की इनिशियली सबसे पहले हमने वही बात की अभी दूसरी रिलेटेड न्यूज़ यह है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फेंसिंग सर्वे जिसको एफ आर ए ट्वेंटी बोला जाता है ये रिलीज़ की गई थी फ़ाओ के द्वारा फ़ाओ तो आपको मालूम ही है ये मैं आपको बताई चुकी हूँ कि सोफ़ो और फाओ क्या था राइट right? तो ये आपको मालूम है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड हैज़ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ फोर बिलियन हैक्टर विच थर्टी वन परसेंट ऑफ द टोटल लैंड एरिया जिसका मतलब आपको क्या पता चलता है कि पूरे विश्व का आप बात करते हैं सत्तर प्रतिशत अगर बात करते हैं तो पानी है राइट ये बात बोली जाती है अगर आप उसमें बात करते हैं तो जो भी लैंड हमारे पास बची है अगर आप उसमें से 30 परसेंट लैंड बचिए तो 30 परसेंट लैंड की भी 31 परसेंट एरिया जो है वो आपका फॉरेस्ट कवर है ठीक है इसके अलावा ट्रॉपिकल डोमेन हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जिसमें से फोर्टी फाइव परसेंट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आते हैं ठीक है फॉलोड बाय बोरियल टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल डोमेन्स मतलब आपको मालूम है जब हमने फॉरेस्ट पढ़े थे अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूँ ये इन्वयरमेंट में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे गहराई से लेकिन जब मैंने आपको किंगडम लांची पढ़ाया था तो मैंने आपको टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी पढ़ाए थे तो उसमें बहुत सारे हमने फॉरेस्ट पढ़े थे जिसमें हमने टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट बहुत सारे हमने रेन फॉरेस्ट जो है बोरियल फॉरेस्ट हमें बहुत सारे फॉरेस्ट टाइप्स भी पढ़े थे तो ये का हिस्सा भी है लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जो पैतालीस परसेंट है और बाकी भी हैं ठीक है इसमें अभी अपन जब पूरी लेंथ पे जब एनवायरमेंट पढ़ेंगे एज ए कंसेप्ट मैं आपको ये और डिटेल में पढ़ाऊंगी डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं एट विच द फॉरेस्ट डिस्पेयर स्लोली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ डेके सेंचुरी टू द पीरियड अभी जो डिफॉरेस्टेशन हमने पहले पढ़ा था वो अलग थी ये जो है ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात हो रही है ठीक है उस रिपोर्ट में जो चीज सामने आई है वो ये डिफॉरेस्टेशन है इसमें बताया गया है इस रिपोर्ट

ठीक है तीसरी बात आई है अफ्रीका का लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस इन एशिया हैड है हाईएस्ट नेट गेन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन 2010 एंड 2020 सो इट इज अ बैड न्यूज फॉर अफ्रीका एंड अ प्र गुड न्यूज फॉर एशिया कि हमने जो है वो फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ बढ़ा है और उनके यहाँ फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है ठीक है इसके अलावा नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेन ड्राइवर्स ऑफ द फॉर डिफॉरेस्टेशन क्रॉप लैंड एक्सपेंशन इंक्लूडिंग ऑयल पाम प्लांटेशन इज द मेन ड्राइवर फॉर डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग ऑलमोस्ट 50% of ऑफ द ग्लोबल followed फॉलोड the द grazing accounting ग्रेजिंग अकाउंटिंग फॉर पहले सबसे हाईएस्ट जो था लाइवस्टॉक ग्रेजिंग मानी जाती थी कि जो जो कैटल है जो लाइवस्टॉक है उनको ग्रेजिंग के लिए जो किया जाता था कहा जाता था वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है उसको यूज़ करते हैं या फॉरेस्ट कवर खत्म करते हैं ठीक है तो सबसे हाईएस्ट पहले जो था वो वही हुआ करता था 38% पे हुआ करता था 38.5 पे अब क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ल्ड में इतनी प्रेसिंग नीड आती जा रही है एंड बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गैसेस एंड द एडिबल ऑयल इनकी जो फॉल हो रहा है जो इनकी जो जो जिसको आप कहते हैं ना डिफिशेंसी डिफिशेंसी तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली इनकी जो सप्लाई uh, चेन में इनकी प्रॉब्लम आई है या इनका जो आप कह सकते हैं कि इनकी सप्लाई जो डिटोरिएट हुई है डिटोरिएट हुई है एक्चुअली डिटोरिएशन आया है इनकी सप्लाई में उसकी वजह से क्या हुआ है बिकॉज बेसिक नीड है है ना ऑयल होना एडिबल ऑयल होना सबकी बेसिक नीड है अभी आपको मालूम जैसे रशिया यूक्रेन की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बाद ऑयल इंडिया की ही अगर आप बात कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा फॉल हो गई है बहुत ज्यादा मतलब जो वहां से सनफ्लावर ऑयल और ये सब जो हम लेते थे वो हमारा बहुत ज्यादा कट गया मतलब सिक्सटी परसेंट हम अपना एडिबल ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करते थे ठीक है तो बहुत ज्यादा कट गया है तो अब क्या हो रहा है लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया ऑयल से अच्छा बिजनेस नहीं है क्योंकि ऑयल की कीमतें जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है एडिबल ऑयल की और एडिबल ऑयल के कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है राइट तो नाउ पीपल आर इंटू मोर इन पाम ऑयल फार्मिंग इन स्टफ तो अब वो क्या कर रहे हैं इसके चक्कर में पाम ऑयल ऑयल पाम के चक्कर में प्लांटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है तो वो प्लांटेशन यहां पे सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है हम तो सिर्फ इंडिया के कंटेक्स में समझ रहे हैं पर पूरी दुनिया में यही हालात हैं तो वो पाम ऑयल जो है वो कंपेरिटिवली बहुत सस्ता होता है बहुत सस्ता मीडियम ऑफ कुकिंग माना जाता है हालांकि उसके नुकसान अपनी जगह पर हैं जो कि बोला जाता है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड स्टाफ बट उसको सस्ता माना जाता है इट इज कैंसर टू बी अ चीपर मीडियम ऑफ कुकिंग राइट तो उसका प्लांटेशन जो है बहुत बड़े लेवल पे होने लगा है क्योंकि उसकी डिमांड इतने बड़े लेवल पे इंडिया में वर्ल्ड में बढ़ने लग गई है तो अब वो प्लांटेशन ऑयल के की प्लांटेशन के लिए पाम के प्लांटेशन के लिए ज़मीनें जो साफ की जा रही हैं जो डिफॉरिस्टेशन किया जा रहा है पूरी जो जमीन साफ की जा रही है कटाई जो की जा रही है अब सबसे बड़ा रीजन वो बन गया है इज़ अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल डिफोरेस्टेशन का जो कारण है वो ऑयल पाम बन गया है या पाम ऑयल बन गया है क्योंकि अब हमें एडिबल ऑयल की जरूरत पड़ रही है ठीक है इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे हमने ये चीज़ समझ ली है हमने फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है हमारे दो टॉपिक इससे कंप्लीट हो रहे हैं एक तो जो हमने कंटेक्चुअल टॉपिक पढ़ा वो तो हमें समझ ही आ ही गया कि हमने दो रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा एक हमने एक पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में पढ़ा एक जो हमारे पास इंटरनेशनल रिपोर्ट है हमने उसके बारे में पढ़ा सोफो फाओ हमने सब पढ़ लिया ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं इसके अलावा आपको एक और चीज़ क्लियर हुई है विच इज़ अ कंसेप्ट जो कि हम इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी हद तक हमें एक बैकग्राउंड उसका यहाँ मिल गया है ठीक है तो वी हैव डन अबाउट लाइक दोनों चीज हमने कंपेरेटिवली कवर कर ली है ईजी सा टॉपिक था बहुत टफ तो नहीं था तो लेकिन अगर कोई चीज मिस हो गई हो इधर उधर उठ के चले गए हो कुछ यू नो पूरा लग के नहीं देखा हो तो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो जो पार्ट मिस हो गया उसको देख सकते हो कैसे यू हैव टू गेट बैक टू मैगने हमारी साइट पे आप जाएंगे जो भी हमारे कोर्सेज चलते हैं एन टी एस सी ओलंपियाड सब कुछ आपको मालूम है सी यू टी वगैरह वो आप खोलेंगे यहां पे आप जाएंगे तो यहां पे आपको नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको आईजी का मिलेगा ऑप्शन आईजी के ओ प्रेस करना है इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे इसको आपको ऊपर आप करेंगे स्क्रॉल तो आपको सारे वीडियोज जो हैं वो आपको बेसिक हेडिंग्स में मिल जाएंगे जैसे करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है उसको खोलेंगे तो पूरा पेज एक ओपन होगा जहाँ से देखना चाहते हो कोई चीज़ जो मिस हुई है उसको स्क्रोल करके देख सकते हो कोई चीज़ आगे बढ़ानी है आगे बढ़ा सकते हो देखना चाहो देख सकते हो वट एवर लाइक वट एवर यू विश टू डू यू कैन डू दैट ऑल राइट इसी तरह से यूट्यूब पर भी है आपको मालूम है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा नेक्स्ट उसका वीडियो का भी आपको वो मिल जाएगा क्या बोलते हैं उसको क्या मिल जाएगा आपको लिंक मिल जाएगी और पुराने वीडियो की भी मिल जाएगी ठीक है एंड व्हाट यू व्हाट एल्स यू कैन डू इज आपको एफ पे और इंस्टा पे भी हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम अगर कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत है कोई इशू है तो यू कैन ऑलवेज़ राइट बैक टू मी एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू ठीक है पढ़ाई करनी है आई की डेट आ गई है पढ़ाई बहुत जल्दी जल्दी दे करनी है फटाफट निपटानी है तो इसी की तरह हम साथ में पढ़ते जाते हैं एंड यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड स्टडी वेल थैंक यू सो मच